अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। लास्ट वीडियो में थोड़ी सी एंड से जो थी वो एक्सप्लेनेशन रह गई थी क्योंकि वीडियो जो थी वो ऑफ हो गई थी, तो हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में आप लोग एस्टिमेशन का बता रही थी कि एस्टिमेशन जब होती है तो एस्टिमेशन इज अ डोरमेंट स्टेट दैट हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू विदस्टैंड हॉट ड्राई पीरियड्स। एस्टिमेशन वो पीरियड होता है जो उन सा एनिमल्स को विदस्टैंड करता है कि एनिमल जो है वो ड्राई, जब बिल्कुल एक तरह से ड्राई स्टेट हो जाए तो उसमें भी एनिमल सर्वाइव कर सके, ये ना होकर उसकी डेथ हो जाए। द रेन अगेंस्ट फिल्स द लेक्स और रिवर्स बेड द लंग फिश इमर्जेस फ्रॉम देयर बोरोस टू फीड एंड रिप्रोड्यूस। ये थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन रह गया था लंग फिश का, वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिलोकैंस के बारे में। सिलोकैंस एक, पहले हमने पढ़ा ऑस्ट्रिचेस के बारे में, उसकी सब क्लास सार्कोप्टेरिजिया, उसके अंदर हम लोगों ने लंग फिशेस के बारे में पढ़ा और लंग फिशेस के अंदर जो थी वो थ्री और क्लासेस थी, न्यूसेटेटस, लेपिडोसेटेटस और जो थी वो प्रोटोपेट्रस। अब हम लोग बनेंगे सिलोकैंस के बारे में। ये जो है इट इज़ द सेकेंड ग्रुप ऑफ सार्कोप्टेरिजिया। द मोस्ट रिसेंट सिलोकैंस फॉसिल्स आर ओवर 17 मिलियन ईयर्स अगो। हाउएवर इन 1938 सिलोकैंस वाज फाउंड फ्रॉम डीप वाटर फ्रॉम द साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये कौन सी सेकेंड ग्रुप ऑफ सार्कोप्टेरिजिया और द मोस्ट रिसेंट सिलोकैंस कब डिस्कवर्ड हुई? 17 मिलियन ईयर्स अगो। आफ्टर दैट द न्यूमरस अदर स्पेसिमेंस हैव बीन गॉट इन डीप वाटर अराउंड द कोमरो आइसलैंड्स ऑफ द मदागास्कर। दिस इज एन इम्पोर्टेंट फिश वॉज डिस्कवर्ड कार्ड लेटीमेरिया चलोमनिया। इट इज द क्लोजेस्ट लिविंग फिश रिलेटेड टू द टेरेस्ट्रियल ट्रस्टेड वर्टिब्रेट्स। मतलब अब ये क्या आ गया, ट्रस्टेड वर्टिब्रेट्स मीन्स जो उनसे जो हैं वो सिर्फ रिवर में नहीं रहते लेकिन वो जो हैं वो अपनी ड्राई एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, लेटीमेरिया इज़ अ लार्ज फिश, इज वेस अबाउट 480 kg और इट इज़ हैवी स्केल्स। और अभी इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं क्या, इसका वेट कितना 80 kg, इसके हैवी स्केल्स प्रेजेंट होते हैं इसकी बॉडी वाल पर और ये जो है एंड सिलोकैंस लिव इन द फ्रेश वाटर लेक्स एंड रिवर्स। वो कहाँ पर रहते हैं, फ्रेश वाटर लेक्स एंड रिवर। दिस इज एंसेस्टर्स ऑफ द लेटीमेरिया and must have moved from the fresh water habitats। ऑस्ट्रियोलिपिफॉर्म्स आर थर्ड ग्रुप ऑफ सार्कोप्टेरिजिया। सबसे पहला ग्रुप था सार्कोप्टेरिजिया, उसके बाद लंगफिश के बारे में पढ़ा, अब हम सिलोकैंस के बारे में पढ़ा, अब हम लोग थर्ड ग्रुप पढ़े हैं वो के ऑस्ट्रियोलिपिफॉर्म्स के बारे में। थर्ड ग्रुप ऑफ सार्कोप्टेरिजिया ऑस्ट्रियोलिपिफॉर्म्स, इट बिकम एक्सटिंक्ट इन द पैलाजोइक पीरियड, दे आर टेकन एज एंसेस्टर एंशियंट एम्फीबियन। सब क्लास जो है इसकी क्या है, एक्टिनोप्टेरिजिया, दे आर पेयर्ड फिन्स इन देयर स्पोर्ट ऑफ द डर्मन रेस। अभी इसकी कैरेक्टर एग्जाम, द बेसल पोर्शन ऑफ द पेयर्ड फिन्स आर नॉट मस्कुलर, दे हैव होमोसिरल टेल। पता है क्या होती है, कुछ टेल्स होती हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं, मतलब जो थी इक्वल होती हैं उनको होमो कहते हैं, जो थी थोड़े से डिफरेंट, मतलब ये जो डिफरेंट है इसको हेट्रोसिरल कहेंगे और ये जो सेम है इसको कहेंगे होमोसिरल। ठीक है, इन दिस केस द टेल फिन हैज इक्वल अपर एंड लोअर, मैंने आपको पहले बता दिया, दे हैव ब्लाइंड ऑल्फैक्टरी स्केल्स। आगे जो है, देयर फिशेज आर कॉमनली कॉल्ड रेफिन फिश एंड देयर फिन लैक मस्कुलर लोब्स। दे यूजली पोसेस स्विम ब्लैडर, स्विम ब्लैडर्स आर गैस फिल्ड सैक। मतलब अब हम लोगों ने पढ़ा इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे स्विम ब्लैडर्स की, लेकिन जो हमारे पास एंशियंट फिशेज थी उसके अंदर ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट नहीं थी। दिस आर द प्रेजेंट अलोंग द डोर्सल वॉल ऑफ द बॉडी कैविटी। स्विम ब्लैडर रेगुलेट्स द बेयोंसी ऑफ वाटर। जोलॉजिस्ट नाउ रियलाइज दैट देयर आर मैनी पॉइंट्स ऑफ डाइवर्जेंस इन द एवोल्यूशन ऑफ एक्टिनोप्टेरिजिया। वन मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम डिवाइड्स द एक्टिनोप्टेरिजिया टू इंफ्राक्लासेस। इंफ्राक्लासेस कॉन्ट्रोस्टेंट्स और स्टर्जियंस और पैडल फिशेज भी इसमें आती हैं, और एक्टिनोप्टेरिजिया में हम लोग पढ़ेंगे लेपिडोसीरेट्स के बारे में, एमिया के बारे में और मॉडर्न बोनफिश के बारे में, जिसके अंदर आ जाएगा जोन से फिशेज आजकल और जो रिसेंट डिस्कवरीज जोन से फिशेज आजकल और रिसेंट इरा में प्रेजेंट। अब ये जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब तक के अल्लाह हाफिज़।